हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक और मेरे साथ है ऋषिराज सर। तो गुरु नीति के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नर्वस और एंडोक्राइन का सेकंड पार्ट हम लोग लेकर के आए हैं। टोटल 90 जो लेक्चर्स हैं उनमें से 37 हम लोग यहां पे कवर अप कर चुके हैं। 37th ये लेक्चर है, आज इसे हम लोग कवर करेंगे। तो सेकेंड पार्ट जो नर्वस और एंडोक्राइन के सीरीज में हमारी वही तरीका मिक्स्ड अप्रोच में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम उन सभी पॉइंट्स को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से एनटीए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित होने वाला है सभी लोगों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। और सीएलसी ने इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपने सीएलसी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर ला करके आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल काम किया है। आप इसको पूरे वीडियोस को देखें और इसकी समरी को आप लोग नोट करते हुए चलें, ये बहुत बढ़िया आपके लिए साबित होने वाला है। इससे आपकी जो रैंक है वो ऊपर होगी और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, एक टीचर के अप्रोच क्वेश्चंस के लिए क्या होती है, वो तरीका आप लोगों को इसमें सीखने को मिल रहा है। क्यों सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि किस तरीके की अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं और कोशिश इसी तरीके से की जाएगी कि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। बिल्कुल सर, और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बच्चे को किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही। लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मटेरियल मिल रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और साथ ही साथ आप हमारे सीएलसी के यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को फटाफट से दबा दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट एपिसोड इस गुरु नीति का या और भी जो हमारे वीडियोस आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नोटिफिकेशन जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस एंड एंडोक्राइन का सेकंड एपिसोड। जी, गिवन ब्लो इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन ईयर, ये एक एनसीईआरटी का ह्यूमन ईयर का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो हमें अब इस लेबल करना है सर, और फिर हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि इन जो एबीसी लेबल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस हम लोगों से पूछेगा। तो सर ये ए हो गया हमारा मैलियस, ठीक है। बी है इंस्कस और सी है स्टेपीज। तो सर इट मींस ये जो पार्ट है जी, ये हमारे ईयर का मिडल ईयर का पार्ट जी। और हमारे ईयर में टोटल कितने पार्ट है? 3 parts। दिस वन इज एक्सटर्नल ईयर, दिस वन इज मिडल ईयर, एंड दिस वन इज इंटरनल ईयर। अब हम ये देख सकते हैं कि एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, जो ईयर के तीनों पार्ट्स हैं, उनमें से इस मिडल ईयर का क्या फंक्शन होगा। हमें ये तो पता लग गया कि ये मैलियस, इनकस और स्टेपीज है, तो ऑप्शंस देख सकते हैं। ये ईयर पिन्ना हो गया हमारा, ये हमारी एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स हो गई जिससे हमारी साउंड वेव्स अंदर आती हैं, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गई। तो मैलियस का एक हिस्सा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और स्टेपीज का एक हिस्सा कॉकलिया में जो ओवल विंडो है वहां से अटैच है। और यहां पर ओपनिंग यूस्टेकियन ट्यूब्स की भी होती है जो फेरिंग से हमारे मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है एयर प्रेशर को बराबर इक्वलाइज करने के लिए। तो 3 parts हो गए हमारे ईयर के और ये ऊपर की तरफ हमारी टेम्पोरल बोन आ गई, ठीक है सर। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारी ईयर ऑसिकल्स है उनके रिगार्डिंग क्या फंक्शंस ऑप्शंस में देख रहे हैं, है ना। तो पहला है सर, इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ए ड्रम। तो ये फंक्शन इस यूस्टेकियन ट्यूब का है ना सर, लेकिन ए और बी और सी से रिलेटेड ये फंक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये तो क्या हो गया, बिल्कुल हमारा गलत हो गया, ठीक है। वैसे तो ये बात यूस्टेकियन ट्यूब के लिए अगर होती तो ये सही होता ना। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू इनर ईयर। जी, इसमें इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू इनर ईयर, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है जी सर। जैसा कि मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं कि यहां पर ये जो है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जी, और यहां पर ये जो है, इन दोनों का यदि आप डायमीटर देखें तो दोनों का डायमीटर क्या है, डिफरेंट है सर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो शेप जो आपको दिखाई दे रही है ये एक तबले की तरह या ढोलक की तरह दिखाई दे रही है सर, बिल्कुल। एक डायमीटर ज्यादा है, एक डायमीटर कम है, तो हम इजी वे से भी यदि तबले को या ढोलक को बजाएंगे तो साउंड की वेव तेजी से सुनाई देगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं यदि यहां पर साउंड वेव वाइब्रेशन देती हैं तो यहां से जब एग्जिट करेंगी तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी,
इंक्रीज इट मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट। और यहाँ पर जो फिजिक्स का हमारा फिनोमिना है प्रेशर का कि फोर्स अपॉन एरिया, जितना एरिया कम होगा, कि हम अगर सिंपल प्रेशर का अगर फॉर्मूला लिखे P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, तो जितना एरिया कम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आप ये भी कहना चाह रहे हैं सर कि वहां एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो कुल मिलाकर के एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया और एफिशिएंसी जो साउंड की है वो ज्यादा हो गई, है ना सर जी। तो इसके रिगार्डिंग सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर हम थर्ड और फोर्थ भी पढ़ेंगे। रिसीव्स द साउंड वाइब्रेशन एंड कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। ये साउंड वेव को रिसीव करने के लिए इसका अपरेटस जो है वो इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये लेबलिंग मिडल ईयर से करवा रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ये काम तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का होता है जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जैसा हमने पुराने एपिसोड में उसका देखा था बैकग्राउंड। हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी। ये जो है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, ये इनर ईयर का फंक्शन है। यहाँ पर इनर ईयर में भी सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑटोलिथ ऑर्गन, और इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस। तो वहां पर ये कनेक्शन किससे होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस का वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू, नर्व के थ्रू हाइंड ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट है, सेरेबेलम वो इसको मेंटेन करेगा। लेकिन यहाँ पर मिडल ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कुल मिलाकर के इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर होता है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे गिवन बिलो आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क की यहाँ पे बात की है सर इसने, और हमें डिफरेंट घटक या फिर जो कंपोनेंट्स हैं वो दे रखे हैं, और अब इनको करेक्ट ऑर्डर में हमें लगाना है। तो क्यों ना सर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। बिल्कुल, एक डायग्राम बनाया जाए तो सर, ये जो हमारे पास स्पेस है इसी में बना लेंगे तो कंपेरिजन इजी वे से कर लेंगे। ठीक है सर। यहाँ पर हम यदि रिफ्लेक्स आर्क का, जो कि एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, और इसको यदि हम ये कहें कि स्पाइनल कॉर्ड का इसमें मेजर रोल होगा, रोल होता है सर, क्योंकि ये स्पाइनल रिफ्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स जो है उसमें सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि एक साइड में स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन होना चाहिए जी सर। ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल, ये इसका डोर्सल पार्ट, ये इसका वेंट्रल पार्ट। थोड़ा सा डॉर्सल वेंट्रल में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो ये जो मेरा आगे का रीजन है तो ये कौन सा हो गया वेंट्रल जी, और पीछे का रीजन हो गया डॉर्सल जी। यानी कि जो रीजन जमीन को फेस करे वो वेंट्रल, और जो आसमान को फेस करे वो डॉर्सल। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये हिस्सा जमीन को फेस कैसे करता है, तो आप हमारी इवोल्यूशन में चलिए। पहले हम चार पैरों पे चलते थे, ठीक है, तो इस तरीके से जब हम चलते थे तो ये हिस्सा नीचे की तरफ आता था, तो ये ट्रिक है। तो डॉर्सल रीजन हमारा पीछे वाला होता है, और इसके अकॉर्डिंग हम डॉर्सल वेंट्रल देखें तो आगे वाला हिस्सा है ना स्पाइनल कॉर्ड का, वो वेंट्रल और वो डॉर्सल जी। इसके लिए इंफॉर्मेशन यहां पर लाने के लिए एक डॉर्सल रूट होना चाहिए, एक वेंट्रल रूट होना चाहिए, और यहां पर असेंबल करने के लिए होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं ये मैसेज को ला रहा है और ये मैसेज को ले जा रहा है। लाने वाला जो पाथवे होगा ये क्या होगा, एफरेंट पाथवे होगा सर, और ले जाने वाला जो पाथवे है ये क्या होगा, इफरेंट पाथवे। अब ये कहां से सेंस करके लाया है उसका डायग्राम भी, इसका मतलब अफेक्टेड ऑर्गन, और ये सीएनएस का पार्ट हो गया जी सर। अफेक्टेड ऑर्गन में हम यहां पर ये बना सकते हैं, ये एक जैसे कि लैब हो गई जी, और कोई पिन यहाँ पर चुभी है या फिर कोई हैमर जो है, हाँ वो हैमर हमने यहाँ पर स्ट्राइक किया, रबर हैमर है जो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो रिसेप्टर इसका मतलब यहाँ पर सेंस करने के लिए सेंसरी पार्ट, या मैं कह सकता हूँ रिसेप्टर होना चाहिए जी सर। रिसेप्टर ये मैसेज किसको देगा, इस एफरेंट पाथवे। ओके, एफरेंट पाथवे किसको देगा ये मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट में एंटर किया, और ये जो पार्ट है ये क्या है, इंटर न्यूरॉन, और लाने वाला सर सेंसरी न्यूरॉन जी, जो सेंस कर रहा है, सेंस कर जी, और ले जाने वाला ये जो है इफरेंट पाथवे, इसका मतलब ये कौन सा पाथ, मोटर जो सीएनएस से मैसेज को ले जा रहा है, अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ ले जा रहा है। ओके, अब ये मैसेज यहां पर देगा, तो यहां पर रिसेप्टर से मैसेज आया था तो रेस्पॉन्ड की फॉर्म में, यहां पर इफेक्टर की फॉर्म में मैसेज जाएगा। अच्छा, जो
इफेक्टर जो मसल हो गया, जैसे इफेक्टर ऑर्गन मसल हम लोग मान लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं लेबलिंग की फॉर्म में क्या क्या दिया गया है वहां पर, ये कह रहा है अरेंज दीज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट फॉलोज ए सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले सर हमारा सेंसरी रिसेप्टर होना चाहिए जी, तो वन लिख देता हूं, वन। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए सेकंड सर, फिर ले जाने वाला मैसेज है तो सेंसरी न्यूरॉन होना चाहिए, सेंसरी जिसे एफरेंट पाथवे या सेंसरी न्यूरॉन बोल सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन सेकंड होना चाहिए। जी सर सेकंड हो गया बिल्कुल। और ये उसके बाद मैसेज कहां पर जाना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है यहां पर इंटरन्यूरॉन, तो इंटरन्यूरॉन को थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। उसके बाद इफरेंट पाथवे, ये सेंसरी था, इफरेंट क्या होगा मोटर, इसका मतलब मोटर को फोर नंबर मिलना चाहिए जी सर, और देन इफेक्टर इसको फाइव नंबर मिलना चाहिए, फाइव नंबर। तो कुल मिलाकर के सर जो फिफ्थ है वो हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा और फिर जो फोर्थ है वो सेकंड पे आ जाएगा, तो फिफ्थ और फोर्थ, तो फिफ्थ और फोर्थ की बात करें तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं सकता, गलत हो गया, फिफ्थ फोर्थ के बाद में थर्ड नंबर पे आ रहा है सेकंड, तो सेकंड सर फिर सेकंड ऑप्शन में आ गया, मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जी। इंटरन्यूरॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये एक तरीके से जज भी कर रहा है कि कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन में होगा और किसको ऊपर हमें ब्रेन तक भी प्रोसेस करवाने के लिए भेजना है ना सर। इसमें दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में एक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, मींस एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है, तो ये कनेक्शन। अब कहाँ पर इंटरन्यूरॉन कनेक्ट है या नहीं है, तो इस बेसिस पर भी रिफ्लेक्स एक्शन को अलग अलग पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो केवल सेंसरी और मोटर का डायरेक्ट कनेक्शन है जी सर, या फिर वहां पर मोर देन वन इंटरन्यूरॉन कनेक्टेड है, इसी को बोलते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसाइनेप्टिक। तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में जनरली इंटरन्यूरॉन अब्सेंट होते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक में बहुत ज्यादा इंटरन्यूरॉन्स वहां पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है सर, तो सेकंड ये हमारा क्वेश्चन 36 था, हम लोग उसी वे से वन से स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया ब्रोका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है और थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं उसके आसपास की अप्रोच है जी। तो ब्रोका एरिया इज कनेक्टेड विद, ब्रोकास एरिया की सर ये बात कर रहा है, जो ब्रोका क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ होता है, तो हमें ये पता है कि सर ये जो एरिया है ये बेसिकली हम लोग एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देखें तो उसमें कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो पहले सर हम लोग लोब्स को यहां पर बना देते हैं, दिस इज फ्रंटल लोब या सर ये दिस इज पैराइटल लोब, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब और ये दिस इज टेम्पोरल लोब, तो ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के लोब्स हो गए। सेम इसी तरीके से सेकंड वाले सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी ये लोब हमें दिखाई देते हैं। यहां पर ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोका एरिया, मींस हम कह सकते हैं एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो लोब है फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल है, और उनमें डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट है जो अलग अलग में ब्रोका एरिया की लोकेशन ये लोकेशन, और इसका जो फंक्शन है वो रिलेटेड है किससे, स्पीच से रिलेटेड है, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये आप लोग इसको सीधे याद भी रख सकते हैं, ये एक तरीके का एमटीआर क्वेश्चन भी हो गया कि मुझे तो रट लो, तो आप इसको एक्जेक्टली याद भी रख सकते हैं कि जो ब्रोका एरिया होता है वो स्पीच फंक्शन से रिलेटेड होता है, और अगर ये डैमेज हो जाएगा तो व्यक्ति को बोलने में परेशानी होती है, जिसे हम एफेक्सिया डिजीज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है सर जी, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा सर, करेक्ट आंसर हो गया हमारा स्पीच फंक्शन, ये वो वाला नहीं है एस्फिक्सिया जिसमें कि आप समझ रहे हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये एक डिजीज वो हाइपोक्सिया कंडीशंस जैसी, वो एस्फिक्सिया कंडीशन, एस्फिक्सिया कंडीशन, ये एफेक्सिया कंडीशन, ठीक है, दोनों में अंतर है, इसमें स्पीच का जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, ए पर्सन इज वियरिंग स्पेक्टल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर करेक्टिंग विजन व्हेन नॉट यूजिंग द ग्लासेस The image of a distant object in his case will be formed. तो ये आई डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आई डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फंक्शनिंग पे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं। आई डिफेक्ट का क्वेश्चन जो है वो अब पॉसिबिलिटी है कि इस साल आ सकता है, तो सारे आई डिफेक्ट्स हमें बहुत अच्छे से समझने होंगे। तो अब इससे रिलेटेड जो आई डिफेक्ट है वो हम पढ़ते हैं सर, तो डायग्राम हमें इसमें भी जरूरत पड़ेगी। हम ये मान के चल रहे हैं सर कि ये हमारा लेंस हो गया सर, हमारी सभी की आईज में इस तरीके का लेंस होता है, और इसकी इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो आई की कौन सी लेयर पर होती है? रेटिना पे होती है सर, तो हम इसको रेटिना कंसीडर कर लीजिए। हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। जी सर, इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन यहां पर रेटिना पर होगा, रेटिना पे होगा बिल्कुल। किस फॉर्म में होगा? इन्वर्टेड फॉर्म में होगा, जैसा हमने पिछली बार भी बताया था। पहली पॉइंट तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस इमेज का फॉर्मेशन यहां पर इन्वर्टेड हुआ है, तो इसको सीधा करके किसने देखा? ब्रेन। दूसरा पॉइंट, अब ये रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन। जी सर, अब इसी का मैं दो अलग पैरेलल फॉर्म में डायग्राम और बना लेता हूं। ये इमेज यहां पर बनता। जी सर, यानी कि रेटिना से पहले, इन फ्रंट ऑफ रेटिना पहले बनता, या फिर ये यहां बनता, यानी बिहाइंड रेटिना। जी, तो मैं ये कह सकता हूं हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी नॉर्मल जो डिस्टेंस थी वो यहां पर थी, लेकिन अब डिस्टेंस ये वाली क्या हो गई? कम हो गई सर। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसी बेसिस पर हमने नोमेनक्लेचर किया है कि ये डिस्टेंस कम है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने? नियर साइटनेस। और इसको क्या नाम दे दिया हमने? फार साइटनेस। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर ये इमेज रेटिना से पहले बनती है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दी सर आप लोगों ने, अगर बच्चे इसको ध्यान से सुन पा रहे हैं, यानी कि नियर बन रही है रेटिना से पहले, यानी ऑब्जेक्ट की नियर बन रही है, तो ये डिसऑर्डर नियर साइटनेस के नाम से जाना जाएगा। और इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना इन फ्रंट ऑफ रेटिना हुई, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? नियर साइटेडनेस। ठीक है सर, क्लियर। तो ये तो पता लगा हमें नियर साइट, और एक पीछे बन रही है तो उसे फार साइटनेस। इसका मतलब हम कह सकते हैं बिहाइंड रेटिना, बिहाइंड रेटिना। यहां पर हम कह सकते हैं ये क्या है? फार साइटनेस। और सर ये जो फोविया और ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, अगर इनको भी हम रेटिना पर देखें तो अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि यहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर कौन सा। हमें ये पता लग गया कि ये फार साइटनेस है और ये नियर साइटनेस। ठीक है सर, फार साइटनेस का मीनिंग क्या है? सिंपल फॉर्म में ये कह सकते हैं कि फार की चीजें तो क्लियर है, लेकिन नियर की चीजें क्लियर नहीं है। नियर की चीजें क्लियर नहीं है फार साइटेडनेस में। फार वर्ड पहले आ रहा है, तो पीछे की जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर हैं आंखों से, वो तो साफ दिखाई दे रहे हैं, और अगर मैं किसी चीज को पास में पढ़ता हूं तो वो मुझे साफ नहीं दिखाई देता। नियर का मीनिंग मीन्स यहां पर पास की चीजें तो साफ दिखाई दी, नियर क्लियर है, लेकिन दूर का विजन अफेक्टेड हो गया। क्लियर, हमें नियर साइटनेस इमेज कहां बनेगी और उसमें क्या होगा ये पता लग गया। फार साइटनेस, उसमें इमेज कहां बनेगी ये पता लग गया। जी सर, क्लियर। अब हमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन भी देखना। बिल्कुल, ऑन ब्लाइंड स्पॉट, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है इसका मतलब यहां पर किसी प्रकार की इमेज फॉर्मेशन नहीं बनती। ये वही जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकले। ठीक है सर, ये ऑप्टिक नर्व जहां से बाहर निकलेंगे तो ये कौन सा स्पॉट हो जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट। बिल्कुल, इस ब्लाइंड स्पॉट के ठीक ऊपर की साइड में जहां पर कॉर्न्स का नंबर हाईली कंसेंट्रेटेड होगा, जहां इमेज बहुत अच्छी बनती है, तो उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? फोविया। ये पार्ट क्या हो गया? फोविया। पहले तो हमने इस क्वेश्चन के जो जो ऑप्शन थे उसको समझने की कोशिश की है कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और उनका मीनिंग क्या है, ताकि बच्चों को यहाँ से एक ही क्वेश्चन में से चार पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। जी, एक तो हमने समझा कि रेटिना पे जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है वहां कोई इमेज नहीं बनती, उसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उसके थोड़ा सा ऊपर एक रीजन प्रेजेंट होता है जहां पे कॉर्न्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, वो फोविया कहलाता है। ठीक है सर, और फिर हमने इन दोनों के बारे में देखा कि ये कौन से केसेस में इमेज फॉर्मेशन होगा। अब सर ये पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस उसने पहने हैं विजन को करेक्ट करने के लिए। कॉन्वेक्स, अब हमें ये भी पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है। कॉनकेव क्या है,
तो ये शायद नेक्स्ट पे क्या चीज है, हाँ ये है, मैं नेक्स्ट पे पेज हमारा, और ये क्या है कॉनकेव हो गया। यहां पर भी ट्रिक देख सकते हैं, जहां पर कैविटी बन रही है, जहां पर केव फॉर्मेशन हो रहा है वो कॉनकेव, कॉनकेव हो गया सर। क्लियर, ये क्या है कॉनकेव और ये क्या है कॉनवेक्स हो गया, कॉनवेक्स। अब फिजिक्स में हमें ये पता है, यदि यहां से कोई भी लाइट इस तरीके से आए तो ये क्या करेगा सर, उसको कन्वर्स करेगा, कन्वर्स कर देगा, और यहां पर आए तो ये क्या करेगा उसको डाइवर्स कर देगा, फैला देगा। जी ठीक है सर, क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। व्हेन नॉट यूजिंग द ग्लास, अब इस्तेमाल नहीं कर रहा, अब विजन की बात, मतलब जो डिजीज है उसके बारे में बात कर रहा है। द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन हिज केस विल बी फॉर्म, यानी कि अगर ये ग्लास का इस्तेमाल नहीं करता तो जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां बनेगी। हाँ। अब आप ये देखें कॉन्वेक्स लेंस जी और कॉनकेव, इसको कैसे करें। अब देखो यहां पर दो वर्ड थे, फार और नियर, ज्यादा वर्ड किसमें, नियर, नियर। इसको ठीक किया जाएगा तो ज्यादा वर्ड वाला लेंस लगेगा, ज्यादा वर्ड किसमें है कॉनकेव। जी सर, इसका मतलब ये नियर के लिए है, नियर को ठीक करना है तब, नियर साइटेडनेस को ठीक करना है तो हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। और यदि फार है तो इसमें देखो वर्ड, इसमें वर्ड कितने दे, फोर, फोर, इसमें वर्ड कितने हैं थ्री, थ्री, तो इसमें देखो कॉनकेव में कितने दे सेवन, यहां पर कितने हैं सिक्स, तो ये कह सकता हूं फार। तो यहां से आपने एक और ट्रिक बता दी कि अगर कम वर्ड है तो कम वर्ड वाला लेंस चाहिए। बहुत बच्चों अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो सकता है। सर ने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सी दो ट्रिक में सर बहुत बढ़िया आपका पॉइंट है, इसको दोबारा से मैं एक बार बता देता हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। रेटिना से पास में अगर इमेज बन रही है, रेटिना के फ्रंट में इमेज बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट के पास में बन रही है, तो ये हो गया नियर साइटेडनेस। रेटिना के पीछे यानी ऑब्जेक्ट से भी दूर बन रही है तो ये फार साइटेडनेस। फिर आपने कहा कि अगर कम वर्ड वाला कोई डिफेक्ट है, जैसे कि फार में कम वर्ड है तो इसमें लेंस, इसको करेक्ट करने के लिए भी जो लेंस चाहिए उसमें भी कम वर्ड वाला, यानी फार को सही करने के लिए चाहिए कॉनवेक्स और नियर को सही करने के लिए चाहिए कॉनकेव। जी जी, अब उस व्यक्ति ने ए पर्सन वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, कौन से कॉनवेक्स, कॉनवेक्स, कॉनवेक्स के लिए क्या है कम वर्ड वाला है, यानी कि कॉनवेक्स इसका मतलब फार, फार साइटेडनेस, इसका मतलब उसने कॉनवेक्स लेंस तब पहना होगा जब उसको फार साइटेडनेस बीमारी होगी। जी, और फार साइटेडनेस का मीनिंग क्या है, जब रेटिना के पीछे इमेज बनती है, इसका मतलब फार की चीजें क्लियर है। हाँ। और नियर की चीजें साफ, इसका मतलब उस फार वाले को प्रॉब्लम कहां हो रही है, नियर की चीजों में, फार वाली तो क्लियर है उसकी। जी सर, अब कह रहा है कि उसने यदि किसी भी प्रकार का लेंस नहीं पहना तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, हाँ कौन सा पूछा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट तो उसका वैसे क्लियर था। जी सर, कोई भी इमेज क्लियर कब बनेगी, जब वो कहां बनी होगी, रेटिना पे बनी, रेटिना पर बनी होगी। अब रेटिना पर दो स्पॉट देखे हमने, ब्लाइंड स्पॉट, वहां पर इमेज बनेगी नहीं, फोविया पर, इसका मतलब उसका फार वाला पहले से ही क्लियर है, तो चश्मा लगाए चाहे नहीं लगाए तो वो इमेज कहां पर बनेगी सर, रेटिना पे बनेगी, रेटिना पर, कौन से पॉइंट पर, फोविया पे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोविया। ओके सर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जहां पे हमने ट्रिक्स भी देखी और देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को घुमाया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्लियर होता है सर हमारा। तो सही आंसर हो गया फोविया, सेकंड ऑप्शन। अब सर एंडोक्राइन से रिलेटेड है, मैच दी फॉलोइंग करना है हमें, एक तरफ हमें हॉर्मोन्स दे रखे हैं और एक तरफ उनका जो सीक्रेटरी लोकेशन है जहां से वो निकलते हैं, सोर्स दे रखा है हमें। तो सबसे पहले है इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रो से याद रख सकते हैं इरिथ्रोसाइट, तो कहने का मतलब ये वो हार्मोन हो गया जो इरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, यानी आरबीसी को, प्रोडक्शन को। एरिथ्रोपोएटिन और रेनिन, इसका मतलब ये दोनों पार्ट कहां से रिलीज होते हैं, किडनी पार्ट से रिलीज होते हैं, तो किडनी जो सोर्स है, तो किडनी में इनमें से कौन सा किडनी के अंदर ऐसा सोर्स है जो प्रेजेंट है, जीजीएसएल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है सर, ये भी मैं लिख देता हूं, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का रोल हो गया, और ये निकलेगा कहां से,
जेजी अपरेटस, तो मैं कह सकता हूं कि जो फर्स्ट एरिथ्रोपोएटिन है उसका मैच किससे होना चाहिए? सी से सर। सी से, सी से। तो सेकंड है जीआईपी यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो पेप्टाइड हार्मोन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी मतलब कि ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है कि भैया स्टोमक आपने बहुत काम कर लिया है, अब आपको गैस्ट्रिक जूस नहीं बनाना है, तो ये जाकर के मैसेज बेसिकली बंद करवाता है। इसी को एंटेरोगैस्ट्रोन भी बोलते हैं। जी सर। अब कहां से रिलीज होगा ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल जो ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट है, वहां से रिलीज होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सेकंड को मैच करवा सकते हैं हम किससे? डी से। जीआईटी का मतलब सर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, फुल फॉर्म। थर्ड है एस्ट्रोजन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी ये कंट्रोल करता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल में है ओवरी, और मेल के अंदर है टेस्टिस, तो फीमेल है तो फीमेल में कहां से? ओवरी से रिलीज होगा। तो हम कह सकते हैं इस थर्ड को मैच करवा सकते हैं किससे? बी से सर। और फोर्थ है एंड्रोजन, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन की बात कर रहा है, जिनमें से जैसे एग्जांपल हो गया टेस्टोस्टेरोन, तो ये ऑब्वियसली टेस्टिस से रिलीज होगा। टेस्टिस से रिलीज होगा। तो हम कह सकते हैं फोर को मैच करवा सकते हैं ए, फर्स्ट ए से। तो अब देखिए सी डी बी ए, सी डी ई गलत हो गया सर पहला वाला हमारा, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग बी से है, इसमें भी स्टार्टिंग डी से है। करेक्ट ऑप्शन सी डी बी ए, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते सर। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिवाइड कर रहा है सर इसने थ्री लेयर्स में, मैच दी फॉलोइंग विद देयर करेक्ट काउंटर पार्ट। तो सर एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम लोग कहानी थोड़ी सी समझ लेते हैं और फिर उनके सिक्रेशंस को भी देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे ब्लैंक पेज होगा, यहां पर सफिशिएंट स्पेस है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं जी एफ यहां से किडनी में आप लोगों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ी होगी, जी एफ आर, वही तरीका है एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर्स को याद रखने का। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये तीन लेयर हो गई एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जो कंट्रोल में है किसके? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के और इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस के, और मेडुला हमारे नर्वस कंट्रोल में था। तो ये कॉर्टेक्स का ये कौन सा पार्ट हो गया? आउटर, ये मिडिल और ये इनर। इनर, ठीक है। अब यहां से सर सिक्रेशन भी देख लेते हैं। सिक्रेशन, आउटर जो पार्ट है ग्लोमेरुलोसा जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो मैं कह सकता हूं एल्डोस्टेरोन। जी सर। मिडिल पार्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसका मेन हार्मोन कोर्टिसोल है, और इनर जो पार्ट है रेटिकुलरिस, ये हमारे सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड में एस्ट्रोजन भी हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन भी हो सकता है, तो यहां पर टेस्टोस्टेरोन क्योंकि ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो शॉर्ट में बताऊं, एड्रिनल ग्लैंड है जो हमारा, उसके दो पार्ट, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर का पार्ट मेडुला। मेडुला कंट्रोल में है ब्रेन के, ठीक है, नर्वस टिश्यू के, और जो बाहर का पार्ट है कॉर्टेक्स वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के। बाहर के पार्ट की तीन लेयर, आउटर मिडिल इनर। नाम याद रखने की ट्रिक, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था तो जी एफ आर, ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलेटा रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुला से मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसका मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन, फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसका मेन हार्मोन कॉर्टिसोल, और रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी हो सकता है और एस्ट्रोजन भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन पे मैचिंग पे जाते हैं सर। ये पूछ रहा है हमसे कि करेक्ट काउंटर पार्ट कौन है, तो बिल्कुल सर ग्लोमेरुलोसा है आउटर लेयर हमारी, यानी कि जो थर्ड है, तो थर्ड पे सर हम लोग लगा देते हैं कौन सा हो जाएगा? बी, आउटर लेयर होगी। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? पी, पी फ्रेंड मैच करवा सकते हैं। थर्ड बी पी इसमें भी नहीं है। जी सर। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। और इसी तरीके से आप बाकी के लेयर्स को भी मैच कराएंगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारा? सेकंड ही आएगा।
चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बच्चों को ये लगता भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी, कई बार इन्हीं आसान क्वेश्चंस में ही वो घुमा देता है आपको। तो फंक्शन में सर पहला पूछा है टू रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। जी, इस तरीके के यदि हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपर पार्ट हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सर, ये एक मैच्योर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो मैच्योर में आपको दो ही पार्ट दिखाई देंगे, वन इज एंटीरियर, अनदर वन इज पोस्टीरियर। पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट यानी एंटीरियर पार्ट और हाइपोथैलेमस के बीच में यहां पर एक स्पेसिफिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ये इसको रेगुलेट कर, यहां के जो हार्मोन है वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहां पर आएंगे, वो इसको रेगुलेट करेंगे। पहला है रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, मींस फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया जी, ये तो हमारा ट्रू है। दूसरा, ये हाइपोथैलेमस है, इसको बॉडी ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। पहले हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बोलते थे कि मास्टर ग्लैंड है, लेकिन इसको भी कंट्रोल इसने किया, तो ये हेड मास्टर की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल सर, तो ये हाइपोथैलेमस जितने भी रिलीजिंग एक्टिविटी है और इनहिबिटिंग एक्टिविटीज है वो सभी परफॉर्म करेगा। इट मींस मैं कह सकता हूं कि सेकंड ऑप्शन देखें, सीक्रेशन ऑफ इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन, ये भी क्या है, ट्रू ट्रू हो गया सर हमारा। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस सर एंटीरियर वाले पार्ट को बोलते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं। ये है एडिनो और ये क्या है, न्यूरो। पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा। जी ठीक है, थर्ड में बोल रहा है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। नहीं, इसके हार्मोन का सिंथेसिस तो यही करेगा, यही करेगा सर। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो मतलब ये हो गया हमारा फॉल्स। तो सही आंसर सर हमारा हो जाता है बोथ वन एंड टू, करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। ए वुमन मे डेवलप बियर्ड एंड मॉस्टेज ड्यू टू, अब ये बात हो रही है कि सर एक वुमन है जी और वुमन के अंदर बियर्ड्स यानी दाढ़ी मूछों का आना जो कि मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो किसके कारण हो रहा है, बेसिकली यहां पर हमारे कौन से हॉर्मोन्स हैं जो उनके हाइपर सिक्रेशन से ये चीज हो रही है। इस तरीके का यदि हम देखें कि कोई भी मेल है उसके अंदर फीमेल हार्मोन या कोई भी फीमेल है उसके अंदर मेल हार्मोन, मेनली यदि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो मेल के अंदर मेल हार्मोन ज्यादा होगा, बिल्कुल सर, फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन ज्यादा होगा, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लेकिन अभी हमने देखा जो एडिनल कॉर्टेक्स की जोना रेटिकुलरिस जो पार्ट है सेक्स कॉर्टिकॉइड बना रहा है, सेक्स कॉर्टिकॉइड बना रहा है, और सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है वो इसको इम्बैलेंस नेचर में ला सकता है सर। तो किसी भी इस फीमेल के अंदर यदि मेल हार्मोन जो है ज्यादा हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल के हैं वो उसमें फीमेल में आ सकते हैं। तो यानी कि उस फीमेल के अंदर ओवरीज बना रही थी इस्ट्रोजन, पर एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना रेटिकुलरिस ने ज्यादा बना दिया टेस्टोस्टेरोन, तो इम्बेलेंस क्रिएट हो गया, तो उसके कारण उसके अंदर मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपियर होने लग गए। तो इसके अकॉर्डिंग हम मैचिंग करें तो सर पहला ही मुझे सही लग रहा है और सही भी है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का तो यहाँ पे रोल नहीं है, एड्रेनालिन भी नहीं है, और वापस हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो सही आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स और इसमें भी कौन सा, जोना रेटिकुलरिस के सेक्स कॉर्टिकॉइड। जी, अभी यदि इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता था कि यदि इसी का अपोजिट कर दिया जाए, एक महिला में दाढ़ी मूछों का है, यदि हम ये कहें कि कोई मेल कैंडिडेट है और उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो गया, गायनेकोमेस्टिया जो कंडीशन डेवलप हुई है जी सर, तो भी हम ये कह सकते हैं कि मेल के अंदर फीमेल हार्मोन ज्यादा हो गए। तो ऐसी कंडीशन में तो फीमेल में दाढ़ी मूछें आई है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या डेवलप हो सकता था, गायनेकोमेस्टिया। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर सर एक एनसीईआरटी का डायग्राम आ गया है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर मार्क्ड एज एक्स। तो सबसे पहले तो हमें एक्स को समझना है सर, ये थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं इसको, ये है
ट्रैकिया, ट्रैकिया, और ये है वोकल कोड, वोकल लैरिंग्स कोड, यानी कि लैरिंग्स वाला लैरिंग्स का पार्ट जी। नेक रीजन की बात हो रही है, हम ये कह सकते हैं ये इस शेप में है, इस शेप में जी सर। तो ये हो गई, ये एच शेप में, इस तरीके से एच शेप में कौन सी होती है ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड होती है, हम यहां लिख सकते हैं थायराइड जी। इट मींस थायराइड से रिलेटेड हमें क्या करना है, उस डिजीज को आइडेंटिफाई करना जी सर। क्या गिगेंटिज्म थायराइड की वजह से हो? बिल्कुल नहीं सर, ये पिट्यूटरी का हो गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। गिगेंटिज्म का मतलब जब जो हमारी चिन बोन है ये ग्रो हो जाती है, यानी ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन, इंसुलिन की हाइपोसिक्रेशन से, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। डायबिटीज इंसिपिडस यानी हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो अब ग्रेव डिजीज जो है, हम कह सकते हैं जब थर्ड पोर्शन जो है 1, 2, 3 इन तीनों को हमने रॉन्ग कर दिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेव डिजीज हो गया। ग्रेव डिजीज में जिसमें हमारी आईज की जो है एक्सोप्थैल्मिक गोइटर भी, जिसका एक फैट डिपोजिशन हो जाता है, फैट डिपोजिशन, तो ये आईज जो ऑर्बिट से बाहर दिखने लग जाती है जी सर। अब सर ये भी बहुत कंफ्यूजन आता है बच्चों के, इसको भी हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि नर्व्स एंड देयर अकरेंस इज शोन इन द फॉलोइंग कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। अब सर ये मल्टीपल न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, नॉन पोलर, यूनिपोलर, इनकी हम बात करेंगे, और ये कहां पर किस लोकेशन में पाए जाते हैं, तो हम डायग्राम फॉर्म में बात कर लें तो बेहतर होगा। बेहतर होगा सर, यदि इस तरीके का पार्ट, इसे हम बोल रहे हैं साइटोन, और इसी के और भी नेम है, पेरिकेरियन है जी सर, सेल बॉडी है, सेल बॉडी है, केवल ऐसा है यानी कि कोई भी नर्व प्रोसेसेस एब्सेंट है जी, यहां पर ना तो शॉर्ट प्रोसेस है ना लॉन्ग प्रोसेस है, दिस इज नॉन पोलर, यानी डेंड्राइट और एक्सॉन एब्सेंट है, तो ये नॉन पोलर हो गया जी। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि यहां पर एक प्रोसेस प्रेजेंट है, साइटोन भी है, एक सिंगल प्रोसेस भी है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, यूनिपोलर, यूनिपोलर। थर्ड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि यहां पर ये प्रोसेस भी है, यहां पर ये प्रोसेस भी है, मींस सेल बॉडी और शॉर्ट और लॉन्ग प्रोसेस है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, बाइपोलर, बाइपोलर कंडीशन जी सर। एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहां पर शॉर्ट प्रोसेस बहुत सारे हैं और लॉन्ग प्रोसेस एक सिंगल, मल्टीपोलर, तो हम ये कह सकते हैं मल्टीपोलर, और ये मल्टीपोलर एक टिपिकल न्यूरॉन जो हम डायग्राम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम जी। तो अब हम ये देखें कि नॉन पोलर का है, नॉन पोलर कंडीशन वहां मिलेगी जहां पर इस नर्व सेल का फॉर्मेशन फॉर्मेशन होगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक केस, एम्ब्रियोनिक केस में जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा तब इसकी डेवलप फॉर्म डेवलप हो जाती है जी। तो मैं कह सकता हूं डेवलप फॉर्म इसकी क्या होगी, यूनिपोलर एम्ब्रियो। अब जहां पर न्यूरॉन डेवलप हुए हैं, सबसे पहले यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रा मींस, मैं सिलेंट्रेट्स की बात करूं तो सिलेंट्रेट्स के अंदर और हमारी आईज के अंदर एमेक्राइन सेल है, वहां पर नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर न्यूरॉन पाए। तो मैं ये कह सकता हूं इस तरीके का हाइड्रा और हम एमेक्राइन सेल की बात कर रहे हैं जो हमारी आईज, आईज के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल पता लग गया, इसका पता लग, बाइपोलर हमारे रेटिना के ट्रांसवर्स सेक्शन में, सेक्शन में हमने क्लास में भी देखा था ट्रांसवर्स सेक्शन को, और हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो प्रेजेंट है जी सर, स्मेल से रिलेटेड जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम कह सकते हैं रेटिना एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। अब इनके अलावा जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जो नॉर्मल न्यूरॉन है वो मल्टीपल न्यूरॉन मैच करवा सकते हैं, बिल्कुल सर। तो मल्टीपल मल्टीपोलर न्यूरॉन जो हो गया, फिर इसका आंसर आ जाएगा सर हमारा कि मैच करवाना कौन सा करेक्ट है, करेक्ट, तो हम कह सकते हैं मल्टीपोलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। अच्छा ये हमें इसमें से इन पेयर्स को यहां पर हमें क्या करना है, करेक्ट मैचिंग देखनी है, तो पहला वाला सर सही हो गया जी। सेकंड बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना, ये अभी हमने देखा ही था, तो ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। नॉन पोलर न्यूरॉन डोर्सल रूट इन स्पाइनल नर्व, डोर्सल रूट की बात कर रहा है, नॉन पोलर कहां पर प्रेजेंट है,
हाइड्रा और एमेक्राइन सेल में, क्या ऐसा दे रखा है? गलत हो गया सर, तो ये रॉन्ग हो गए। और यूनिपोलर न्यूरॉन कंजक्टिवा इन आइस, यूनिपोलर कहां पर प्रेजेंट है? एम्ब्रियो, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया ये, और ये भी फॉल्स हो गया। तो इसमें जो सही है वो हो गया, क्वेश्चन में हमने करेक्ट ही बताना, करेक्ट ही बताना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो सर फर्स्ट एंड सेकंड हमें पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है, तो सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी की जो तीन ऑप्शन है ये फिर गलत हो गए। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? माइलिन शीट, अब सर माइलिन शीट से रिलेटेड ये बात कर रहा है, माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन हैज अ गैप ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरवेल, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर न्यूरॉन हम लोग इस तरीके से देखें तो ये जो इसका एक्सॉन वाला पार्ट होता है, यहां पर माइलिन शीट की लेयर इस तरीके से पाई जाती है, और इनके बीच में जो गैप होता है इसे हम लोग नोड ऑफ रणवीर सिंह नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सर इसे? रोड रेनवियर, रेनवियर कहते हैं। तो ये बात हमारी सही है, ठीक है। माइलिन शीट में आप लोगों को बता दूं, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक इंसुलेटिंग कवर है जो एफिशिएंसी ऑफ नर्व ट्रांसमिशन को बेसिकली क्या कर देती है? बढ़ा देती है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद शॉन सेल्स, माइलिन जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है? शॉन सेल या ओलिगोडेंड्राइट्स। तो ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखें तो श्वान सेल करती है। श्वान सेल एक ही न्यूरॉन के अराउंड माइलिन शीट बनाती है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो लगभग 10 न्यूरॉन के अराउंड माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। तो ये बात भी हमारी सेकंड ऑप्शन भी क्या है सर? सही है। फर्स्ट भी हमारा करेक्ट था, सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड सब जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर माइलिनेटेड भी, अगर कंडक्शन की बात की जाए, यदि स्पीड की बात की जाए, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन जो होगा फास्ट होगा एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू है, ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन पे आए, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन आर फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। नॉन माइलिनेटेड फाइबर भी जहां पर माइलिनेटेड है वहां पर नॉन माइलिनेटेड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि श्वान सेल या ओलिगोडेंड्राइट ने वहां पर फॉर्मेशन किया है या नहीं किया। तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू हो गया। तो बेसिकली हमारे चारों की चारों ऑप्शन क्या है? सही है। तो अब जिसमें चारों दे रखे हैं वो हमें देखना है। तो देखिए सर, फर्स्ट वाले में तो केवल तीन दे रखे हैं इसमें, सेकंड में भी इस तरीके से तीन दे रखे हैं, तो जो चारों ऑप्शन जहां जिस ऑप्शन में आ रहे हैं ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको मैं टिक लगा देता हूं, तो सही आंसर 45 का हमारा थर्ड हो गया। फिर सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग पेयर, अब हमें इसमें भी जैसे हमने पहले मैचिंग की थी सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे ब्रेन के पार्ट्स दे रखे हैं और यहां पर हमें फंक्शन दे रखे हैं। तो सेरेब्रम, सेरेब्रम का जो फंक्शन है वो सेरेब्रम में अलग अलग पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल इंटीरियर पार्ट, उसके भी लोब अलग अलग है, फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है। तो मेमोरी से रिलेटेड ऑक्सीपिटल, विजन से रिलेटेड हो गया सर, हियरिंग जो लेटरल पार्ट है टेम्पोरल, तो मैं कह सकता हूँ ये टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटल और ये फ्रंटल, फ्रंटल। तो ये तो करेक्ट करेक्ट मैच हो गया, सेरेब्रम की ये फंक्शंस हो गए, तो ये करेक्टली मैच हमारा हो गया। हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है, बैलेंस ऑफ बॉडी नहीं, हाइपोथैलेमस थ्रस्ट सेंटर है जी सर, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन फंक्शन की तरह काम कर सकता है लेकिन बॉडी का बैलेंस नहीं कर सकता, हंगर सेंटर भी, थर्मोरेगुलेशन, ये सारे फंक्शन हाइपोथैलेमस के होते हैं। बैलेंस ऑफ बॉडी को करता है जो सेरेबेलम करता है, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स का इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। मेड्यूला ऑब्लेंटा एक्साइटमेंट प्लेजर रेग एक्सप्रेशन, ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है जब वो लिम्बिक सिस्टम के साथ में परफॉर्म करता है, तो इट मींस ये भी रॉन्ग हो गया। फिर पोन्स वेरोलाय रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, अब ब्रीथिंग का रेस्पिरेटरी सेंटर मेड्यूला ऑब्लेंटा में मानते हैं, बट जो वॉलेंट्री जो बेसिकली कंट्रोल है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी हम लोग कहते हैं। ये पोन्स पार्ट हो गया जी सर, और ये पार्ट हो गया मेडुला, मेडुला में रिदम सेंटर, पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक और एपनिस्टिक सेंटर। बिल्कुल सर, जब हमने लार्ज अमाउंट में इनहेल किया
इनहेल करने पर सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर पड़ेगा? एल्यूलाई पे बनेगा वो। जब एल्यूलाई क्या होगी, फैलेगी। एल्यूलाई जितनी ज्यादा फैलेगी एल्यूलाई के ब्रस्ट होने का चांसेस रिफ्लेक्स। तो वहां पर एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा कि वहां का स्ट्रेचिंग रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट करके इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर को मैसेज देगा। क्या देगा? इंस्पिरेशन ड्यूरेशन को रोक दे, मींस कम कर दे, इंस्पिरेशन ड्यूरेशन कम कर दे, एक्सप्रेशन स्टार्ट कर दे। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर का मेन फंक्शन है। इट मींस ये ब्रीथिंग को रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सर हमें मिल जाता है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो गया वो हो गया यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जी। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, वापस से आई का डायग्राम देखिए। आई के डायग्राम हम लोगों ने आप देखोगे तो लास्ट क्लास तक जब ये एंड होगा तो हम पूरी आईज जो है उनका एक एक पार्ट हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा सभी क्वेश्चंस में। तो एक बार फिर से आई से रिलेटेड क्वेश्चंस है और आई की अब हमें डायग्राम को मैच करना है सर। एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई बॉल, इनर लेयर ऑफ आई बॉल, मिडिल लेयर ऑफ आई बॉल और सॉकेट ऑफ स्कल। देखो ये आईज है, ये एक सॉकेट में प्रेजेंट है जिसे हम सॉकेट को बोलते हैं आई ऑर्बिट। आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट, ये तो क्या हो गया सॉकेट। ये स्कल के सॉकेट होते हैं। अगर आप लोगों ने वो तांत्रिक के बाद वो खोपड़ी सी देखी होगी या एनसीईआरटी का डायग्राम देखा होगा तो उसमें जो अंदर की तरफ यहां पर जो गड्ढे होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, गड्ढे होते हैं जिनमें आई लगी रहती है, उन्हें आई ऑर्बिट कहा गया। ये लेंस, लेंस हो गया सर। ये कॉर्निया, कॉर्निया। ये इनर मोस्ट लेयर रेटिना, ये कोरोइड और ये स्क्लेरा। तो SCR आउटर से इनर की तरफ आए तो स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। हमें फोर ऑप्शन दिए यहां पर, कोरोइड, ऑर्बिट्स, स्क्लेरा और रेटिना। अब हम मैच करवा सकते हैं। एक्सटर्नल लेयर जो आई बॉल की हो गई तो एक्सटर्नल लेयर यानी S, तो स्क्लेरा दे रखा है थर्ड में, तो A का हो गया थर्ड। और A का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है। हाँ, A का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। देखिए आप बाकियों में ये गलत हो जाता है। अब मार्क द विटामिन नेसेसरी इन रोडोप्सिन सिंथेसिस। तो फोटो सेल्स की यहां पे बात हो रही है जो कि कौन से होते हैं, रोड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये रोडोप्सिन जो है ये फोटो रिसेप्टर सेल में प्रेजेंट है। जी सर, जैसा कि सर आपने बताया अभी कि रोड्स और एंड कोन्स। रोडोप्सिन सर दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो विटामिन ए का डेरिवेटिव हो गया जो कि रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, और प्लस एक प्रोटीन हो जाता है जिसे ऑप्सिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो रेटिनॉल है, रेटिनेल, रेटिनेल, ये जो रेटिनेल है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और ये प्रोटीनियस पार्ट होगा, प्रोटीनियस। रेटिनेल एक एल्डिहाइड और ये प्रोटीन, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तब जाकर रोडोप्सिन का फॉर्मेशन होता है। अब रेटिनेल क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। लेकिन ये एल्डिहाइड फॉर्म कहां से आएगी? रेटिनॉल से, रेटिनॉल से आएगी। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऑल जहां पर लगा हुआ है वो क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल जहां पर एल लगा हुआ है वो क्या है, एल्डिहाइड। इस अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन करना है। जी सर, ये कहां से आएगा? ये विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, विटामिन ए, विटामिन ए होगा, रेटिनॉल होगा, उसका एल्डिहाइड फॉर्म कन्वर्जन होगा, वो इससे बाइंड करेगा तब रोडोप्सिन, रोडोप्सिन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि विजन के लिए होता है। थ्री टाइप के जो कोन्स होते हैं जो कलर के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। और वहीं पर सर अगर और इसको थोड़ा पीछे कर दिया जाए तो जो जैसे कि जो कहते हैं कि हम गाजर खाने से, कैरेट खाने से विटामिन, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, तो इसका भी जो प्रीकर्सर है वो हो गया बीटा कैरोटीन। जी, तो मैं कह सकता हूं बीटा कैरोटीन को यदि विटामिन ए में कन्वर्जन करेगा तो लीवर करेगा, लीवर, लीवर करेगा। तो रोड्स एंड कोन्स में ये रॉड्स डिम लाइट में काम करता है और ये ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में काम करता है सर। डिम लाइट का मतलब क्या हो गया? रॉड्स, रॉड्स, रॉड्स का मतलब रोडोप्सिन। और यदि विटामिन ए को यदि यहां से खत्म कर दिया जाए तो ये रोडोप्सिन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। रात में
दिखाई नहीं देगा। ऐसे डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम 8th क्लास से, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको रतौंधी डिजीज हम लोग कहते हैं, रात में नहीं दिखाई देना, रात में अंधा, मींस रतौंधी, रतौंधी। तो सही आंसर सर, उसमें मार्क कर देते हैं, एक बार बैक कीजिएगा एक बार। तो इसमें विटामिन नेसेसरी कौन सा था? विटामिन ए था। ऑल और नन लॉ प्रिंसिपल स्टेट दैट, अब ये सर ये पूछ रहा है कि ऑल और नन लॉ जो होता है वो क्या है? ऑल एंड नन लॉ जो प्रिंसिपल है, ये किसी मसल्स के लिए भी और किसी न्यूरॉन के लिए भी, सबके लिए अप्लाई हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास में एक ये लेवल है जी सर, एक इससे नीचे का लेवल है, एक इससे ऊपर का लेवल, और ये स्टिमुलस का लेवल है। स्टिमुलस यदि इससे नीचे का दिया गया है तो इसे बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस ये दिया गया है तो उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और इसके ऊपर जो दिया गया है उसे बोलते हैं सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। किसी भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाना है तो आपको इस सब थ्रेशोल्ड से थ्रेशोल्ड लेवल तक लेकर जाएंगे, तब तक वो स्टिमुलेट नहीं होगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है तो आप एक कान ले जाना पड़ेगा सुप्रा थ्रेशोल्ड, सुप्रा की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब इससे नीचे सभी नन की तरह काम कर रहे हैं, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो, इसके ऊपर सभी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा कि मेरे लिए एक बर्गर लेके आना है जी सर, लेकिन बर्गर दुकान से नहीं लेके आना, बना के ऐसी मशीन से बनवा के लाना है कि जो मशीन में आप पैसे डिपॉजिट करें और वो बर्गर निकाल दो जी सर। मशीन मैंने कहा कि वो बर्गर 40 रुपीज का है, आप बताओ आपने मशीन को बेवकूफ समझ के आपने उसमें 10 रुपए डाल दिए, बर्गर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। 30 रुपए डाले तब भी नहीं आएगा, 39 डाले तब भी नहीं आएगा सर, 40 डाले तब आ जाएगा 40। इसका मतलब वो 40 जो है वो इस स्टिमुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब थ्रेशोल्ड एंड थ्रेशोल्ड लेवल से हाई का स्टिमुलस दिया गया तब उसने रेस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन अप टू थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया गया तब नहीं किया उसने। अब मैंने आपको ये कहा आपको एक बर्गर लाना है, मैंने आपको 100 रुपए दिए, बर्गर मिलेगा इसी वे से मिलेगा, लेकिन वो बर्गर के पैसे 40 रुपीज काटेगा, बाकी वापस दे देगा। बिल्कुल। तो 40 और 40 के ऊपर किसी के पास 100 रुपए, किसी के पास 1000 रुपए, तो आप बताओ 40 रुपीज वाले ने बर्गर खाया, 1000 रुपए वाले ने भी खाया, मैक्सिमम कितनी भी स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन 40 रुपीज के पास भी बर्गर था, 1000 वाले के पास बर्गर था। इसका मतलब इससे ऊपर आप कितने भी इंक्रीज कर दो तो उसकी पावर ऑफ स्ट्रेंथ पर कोई भी एक्शन पोटेंशियल फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समराइज करूं आपकी बात को, तो ये बात हो गई कि नर्व इंपल्स को जनरेट करने के लिए यानी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए हमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए, उससे नीचे अगर होगा तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, इसका मतलब नन नन हो गया, और उसके ऊपर चाहे कितना भी हो पर एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। मींस जैसे किसी का 40 है, जैसे बर्गर वाला एग्जांपल, तो 41 रुपीज देगा तो भी बर्गर खा सकता है, और इसके ऊपर कितने भी देगा तो भी खा सकता है, पर अगर इससे नीचे एक भी रहा तो फिर नहीं खा सकता, यानी नन हो गया या ऑल हो गया। तो बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, और सेम सर यही मसल कॉन्ट्रेक्शन के ऊपर भी लागू होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है एक मिनिमम पोटेंशियल। तो सर इसके हिसाब से आंसर देख लेते हैं, ऑल स्टिमुली प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, रॉन्ग हो गया सर। Any cell membrane can generate and propagate an action potential if stimulated to threshold value. To threshold. इसका मतलब हम threshold तक ही लेके गए। हाँ। नहीं करेगा। Threshold और उससे above होना चाहिए। Above होना चाहिए। Potential difference can either be 0 or 100. नहीं। ये तो बिल्कुल wrong है। या तो resting membrane -70 होगा या action potential होगा +45। The property of action potential is not dependent on the strength of depolarizing stimulus. जी, depolarizing का मतलब आपने उसको action potential दे दिया, अब उसके ऊपर आप कितना भी increase करें, 40 वाले को भी बर्गर मिला, 400 वाले को मिलेगा, 1000 वाले को मिलेगा, आपने कितना भी increase किया, क्या उसकी बर्गर की strength पर कोई effect पड़ा? नहीं पड़ेगा सर। It means correct option. A child
कंप्लेन ऑफ डिजीनेस एंड वॉमिटिंग सेंसेशन आफ्टर स्विंगिंग इन जेंट व्हील विच पार्ट ऑफ द इनर ईयर्स इज डिस्टर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस। लास्ट क्लास में भी जैसा कि हमने डिस्कस किया था इस गुरु नीति वाले फर्स्ट पार्ट में कि किसी भी मोटाइल बैलेंस को बनाना है या स्टैटिक बैलेंस को बनाना है तो हमारे इनर ईयर का पार्ट काम करे, वेस्टिबुलर एपरेटस, यानी कुल मिला के यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और इक्विलिब्रियम में भी हम लोग देखें तो दो प्रकार का हो गया, एक हो गया स्टैटिक और दूसरा हो गया डायनेमिक। यानी कि मैं मेरे सर को अगर खड़ा खड़ा ग्रेविटी के अगेंस्ट इस तरीके से मूव कराता हूं तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया, और डायनेमिक यानी कि जब रोटेशनल फोर्स लग रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है ऑटोलिथ ऑर्गन, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल जहां पर ओपन होती है स्टूडेंट, वहां पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। और इसी एम्पुला में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। और क्रिस्टा एम्पुलेरिस अब सेमी सर्कुलर कैनाल में इनमें भरा होता है सर एंडोलिम्फ, इसके अंदर भरा हुआ है एंडोलिम्फ। तो जैसे भी मूवमेंट होगा रोटेट सेमी सर्कुलर कैनाल में तो एंडोलिम्फ हिलेगा, और एंडोलिम्फ हिलेगा तो इस क्रिस्टा एम्पुलेरिस के ऊपर फोर्स लगाएगा, और क्रिस्टा एम्पुलेरिस से यहां से फिर जजमेंट होकर के नर्व के थ्रू ये पहुंच जाएगा हमारे सेरेबेलम में। तो इसी तरीके से जो रोटेशनल फोर्स लग रहे हैं उन्हें ये बताने का काम करता है। और जब व्यक्ति खड़ा है केवल और उस पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो फिर वहां पर जो ऑटोलिथ ऑर्गन जो था जो वॉल में प्रेजेंट था यूट्रिकल और सैक्युलस के, तो वहां पर वो फंक्शन करता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये स्विमिंग कर रहा है, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रिस्टा एम्पुलेरिस। तो थर्ड आंसर इसका हो गया करेक्ट। ग्लूकोमा में रिजल्ट ड्यू टू, ये लास्ट में भी हमने ग्लूकोमा लास्ट क्लास में भी ऐसी बातें की थी हमने कि ये आईज है, यहां पर एक्वस ह्यूमर है और यहां पर विट्रस ह्यूमर है, यहां पर कैनाल ऑफ स्लेम जी सर। यहां का इंफ्रा ऑर्बिटल प्रेशर इंक्रीज होने से ये ब्लॉक हो जाती है जिससे विजन बिकम जीरो जी। उसी को बोलते हैं ग्लाउकोमा, काला पानी या काला मोती। तो इससे कुल मिलाकर के जो हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो राइज हो जाता है इस कैनाल के ब्लॉक होने से, है ना। ये तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, और कैनाल भी क्या हो रही है इसमें, कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इंट्राऑक्यूलर डिक्रीज, क्या होगा, क्या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर, सही आंसर हो गया हमारा फर्स्ट एंड टू। ज्यादा प्रेशर होता है तो ये ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर राइज करता है जिसके कारण ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होती है और परमानेंट विजन भी इससे लॉस हो सकता है जी। द पार्ट ऑफ ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेबेलम एंड ऑफ फाइबर्स व्हिच प्रेजेंट बिटवीन हायर लेवल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर ये सर बात कर रहा है उस स्ट्रक्चर की जो सेरेबेलम के जो दो हेमिस्फेयर होते हैं उनके बीच में बैलेंस या ब्रिज फॉर्मेशन का काम करता है, और फाइबर जो है वहां से पास होते हैं ब्रेन के हायर लेवल्स पे भी और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर जो एक तरीके से सेंटर में है कहीं ना कहीं, जहां से लोअर भी जो स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर्स है वो ब्रेन के हायर सेंटर में भी पास हो रहे हैं। ये हाइंड ब्रेन का हमारा पार्ट होता है जिसे हम पोन्स कहते हैं। आपको ये याद रखना है जहां पर ब्रिज की बात करें तो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट जिसे हम लोग पोन्स कहते हैं, ये हमारा सेरेबेलम हो गया इस तरीके से, और यहां पर पीछे ये जो पार्ट है ये हमारा पोन्स वेरोलाय होता है, और यहां से इस तरीके से ये जो हमारे सेरेबेलम के दोनों हेमिस्फेयर हैं वहां के लिए भी नर्व ट्रैक जाते हैं, और इस तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व ट्रैक यहां से गुजरते हैं। तो बैलेंसिंग का काम जो सेरेबेलम के दोनों हेमिस्फेयर के बीच में चलता है ये हमारा पोन्स करता है। हमें हिंट भी दिया गया है ब्रिज ऑफ टू सेरेबेलम, इसका मतलब वो यहां से रिलेटेड होना चाहिए। बिल्कुल, ये सेरेबेलम वाला पार्ट हो गया, इसको कनेक्ट करने के लिए इधर भी ये वाला पार्ट क्या है, पोन्स। इसके बाद क्या आएगा, मेडुला, और फिर स्पाइनल कॉर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा, पोन्स हो जाएगा। तो ब्रिज से आप याद रख सकते हैं ना स्टूडेंट, ब्रिज का काम पोन्स करता है। When the outer side of membrane becomes negatively charged and the inner side
पॉजिटिवली चार्ज दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कुछ इस तरीके की बात कर रहा है कि बाहर की साइड यदि पॉजिटिव और अंदर की साइड नेगेटिव हो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये क्या कह रहा है कि बाहर की साइड में नेगेटिव, अंदर की साइड में पॉजिटिव। इसका मतलब बाहर का पॉजिटिव अंदर आया होगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सोडियम इनफ्लक्स हुआ होगा, सोडियम इनफ्लक्स होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्शन, एक्शन पोटेंशियल। जब ग्राफिकल फॉर्म में यदि देखा जाए तो ये -70 रेस्टिंग पोटेंशियल है। अब यहां से ग्राफिकल फॉर्म इस तरीके से राइज करे, बिल्कुल सर, तो हम ये कहें कि हमारे जो हेयर है इनको ऊपर की तरफ खड़ा कर दिया जाए तो हम बोलते हैं स्पाइक्स, स्पाइक। तो मैं कह सकता हूं ये हेयर की तरह पॉजिटिव वैल्यू गई, ये क्या है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, या मैं कह सकता हूं एक्शन पोटेंशियल, और ये क्या है स्पाइक, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। तो ये भी एक्शन हो गया और ये भी एक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, क्या ये गलत हो जाएगा सर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो रेस्टिंग में तो ये कंडीशन, रेस्टिंग में तो बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा और अंदर की तरफ नेगेटिव होगा, और एक्शन पोटेंशियल ये बात सही है क्योंकि अंदर की तरफ पॉजिटिव बाहर की तरफ नेगेटिव, और इसी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो स्पाइक पोटेंशियल, तो ये भी सही, सही आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि बोथ सेकंड एंड थर्ड। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। ये जो रिफ्लेक्स होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के, जो अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि क्रेनियल रिफ्लेक्स जिसको ब्रेन रेगुलेट कर रहा है, स्पाइनल रिफ्लेक्स, स्पाइनल कॉर्ड कर रही है, मोनोसाइनेप्टिक जहां पर इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है, पॉलीसाइनेप्टिक जहां पर इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व, और उसका पाथवे भी देखा था हमने, जी सर। अब ये एक नई टर्म देखिए, कंडीशनल रिफ्लेक्स और अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। आपने एक साइंटिस्ट का नेम सुना होगा, इवान पावलोव, डॉग एक्सपेरिमेंट, उसने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जी सर, सलाइवेशन के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट चेक कर रहा था। तो उस तरीके की उसने, इवान पावलोव ने, जिसे फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं, तो इवान पावलोव ने कंडीशंस डेवलप की, बेल बजाता था वो और खाना खिलाता था डॉग जी। अब मैंने आपको ये कहा आपके लिए मैं दो कंडीशन डेवलप करता हूं, यहां पर रसगुल्ला रखा हूं, जी सर, काश रखा होता, हाँ, तो आप क्या करेंगे, दो कंडीशंस हैं, एक रसगुल्ला यहां रखा हुआ है, एक रसगुल्ला हमारे माउथ में, माउथ में जाने पर सलाइवेशन होगा, बिल्कुल, ये तो एक अनकंडीशन, ये होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, फूड मुंह में जाएगा तो सलाइवेशन होगा, और केवल रसगुल्ले का नाम सुन रहे हम तो भी कुछ हो रहा है, जी सर। इट मीन्स हमने वहां पर कंडीशन फूड को देखने से, फूड को अंदर लेने से, अंदर लेने से यदि सलाइवेशन हुआ तो ये तो अनकंडीशन, लेकिन फूड के नाम लेने से सलाइवेशन हुआ तो ये कंडीशन, यानी कोई कंडीशन हमने रखी, और जो कंडीशन रखी जाएगी वो लर्निंग बिहेवियर में होनी चाहिए। किसी छोटे बच्चे को कह दे हम, जिसने आज जन्म लिया है, रसगुल्ले खाएगा, क्या सलाइवेशन होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि उसने जाना ही नहीं रसगुल्ले को, टेस्ट के बारे में पता ही नहीं, नहीं, नहीं। क्लियर, तो यहां पर हमें कंडीशन डेवलप करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, सलाइवेशन ऑन टेस्टिंग फूड, ये तो अनकंडीशन बात होगी, तो अनकंडीशन, ये तो छोटे बच्चे भी अगर फूड मटेरियल जाएगा तो उसमें भी सलाइवेशन होगा जी, लर्निंग बिहेवियर से रिलेटेड ही नहीं, रॉन्ग हो गया सर। क्लोजिंग ऑफ आईज ऑन बीइंग अप्रोच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मैंने अभी छोटे बच्चे का नाम लिया, आप हमारी आईज के पास में कोई ऑब्जेक्ट लाते हो तो भी हम बंद करेंगे, बंद कर, छोटे बच्चे के पास लेके जाते तो भी ब्लिंकिंग हमें देखने को मिलती है, तो इट मींस ये भी क्या है, अनकंडीशन, अनकंडीशन। हमारा हाथ यदि किसी को टच कर जाए तो हॉट ऑब्जेक्ट को, टेरिबल ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर लेते हैं, बच्चे को लगाओगे तो भी रिमूव होगा, वो भी क्या होगा, अनकंडीशन, अनकंडीशन, ये भी बात हमारी गलत हो गई। प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जी जैसे कि आप डॉक्टर आयुष पारिक सर, आप भी गिटार बजाते हैं, तो आपको गिटार बजाने से लेकर कोई धुन सुनने को मिल जाए तो भी आपके पैर मूव करना शुरू कर देते हैं, और हाथ मूव करना शुरू, अपने आप ही वो जो होता है मूवमेंट सेट हो जाता है, तो वो क्यों पॉसिबल हुआ, ताकि लर्निंग बिहेवियर, क्योंकि पहले आपने लर्न किया है, वो टोन्स के बारे में आपने सुनी है कि किस तरीके की ये टोन, या जी सर, तो इसका मतलब हमें पहले कंडीशन डेवलप करनी पड़ी, प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी गिटार को, किसी भी संगीत उपकरण को बजाना, तो ये कैसा है, कंडीशन रिफ्लेक्स हो गई।
तो इसी में सर साइकिल चलाना, जैसे आप जैसे शुरू में साइकिल चलाते हैं तो खूब गिरते हैं, पकड़ के ध्यान लगाते हैं, ब्रेक की जगह बहुत दिमाग लगा के, बाद में फिर हम फोन पे बात करते करते बाइक चला रहे हैं, क्योंकि अब हमारी बॉडी में उस चीज की लर्निंग डेवलप हो चुकी है और कंडीशन रिफ्लेक्स डेवलप हो चुका है। या मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले हमने क्रेनियम रिफ्लेक्स में पार्ट किया था डिस्कस, वो किस में हो गया है, वो स्पाइनल में। इसीलिए पहले हम जब साइकिल चलाते हैं तो 100% गिरने पर ध्यान रहता है और बाद में पता भी नहीं चलता कि साइकिल कहां से कहां पहुंच गई। सही आंसर फोर्थ हो जाता है इसका। अब सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का डायग्राम है। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दो कैटेगरी के हॉर्मोन्स हैं। आपको पता है कि जिसका रिसेप्टर हमारे सेल के अंदर होता है वो, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये तो डायरेक्टली अंदर चला गया, अंदर चला गया, तो ये स्टीरॉयडल हॉर्मोन है। और जिसका रिसेप्टर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो गया, तो ये हमारा बेसिकली प्रोटीन हॉर्मोन, ये कह सकते हैं प्रोटीन नेचर का है, प्रोटीन नेचर का है। फिर ये यहाँ पर जब बाउंड हुआ ये रिसेप्टर था, और जिस जब ये बाउंड हुआ तो ये हमारा हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, और इसके कारण यानी एक तरीके से इसने मैसेज लिया और अंदर कन्वे किया, तो अंदर जो सेकंड मैसेज लेके गया, जैसे कि घर में आप बैठे हैं, आपके पिताजी अंदर वाले कमरे में हैं, बाहर से डाकिया कोई चिट्ठी लेके आता है, तो आप गेट पे जाते हैं, उससे चिट्ठी लेते हैं और लेने के बाद उसे अंदर पिताजी को देने जाते हैं, यानी कि वो क्या हो गया हमारा सेकेंडरी मैसेंजर, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। और इसके कारण फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं। वहीं सर स्टेरॉइडल में देखिए, तो स्टेरॉइड में देखेंगे तो यहाँ पर एचआरसी हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया बेसिकली, हाँ, ये जीनोम, जीनोम हो गया, डीएनए हम कह सकते हैं, ये इसी तरीके से रेस्पॉन्स जनरेट करेगा कि डीएनए से क्या बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स बन जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग सर हमें आंसर मैच करना है, तो पहला सर इसने बता रखा है नंबर ए पर स्टीरॉइड हार्मोन, नंबर ए पर स्टीरॉइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि इसका रिसेप्टर तो बाहर है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, थर्ड और फोर्थ भी गलत हो गया, क्योंकि वहां पर भी स्टीरॉइड दिया गया है, स्टीरॉइड दे रखा है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन नॉन स्टीरॉइड हार्मोन, और ये पूरा जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा, तो सही आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। The two hormones released from the neurohypophysis are actually manufactured in the, तो ये अभी हमने देखा था सर कि hypothalamus, hypothalamus में, क्योंकि neurohypophysis की बात कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं posterior pituitary, और posterior pituitary किसी भी हार्मोन का synthesis नहीं करता, केवल store करता, store करता है, ये तो synthesis नहीं करेगा, तो इसका मतलब hypothalamus जो है वो करेगा, तो हाइपोथैलेमस में डिफरेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के साइटोन असेंबल होकर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या रिलीज करता है, एडीएच, एडीएच करता है सर, और पीवीएन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और यही जाके क्या होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा, स्टोर, इसका मतलब हाइपोथैलेमस के ये न्यूक्लियाई का मेजर रोल होगा। तो पहला तो सर इसने एडिनो हाइपोफाइसिस दे रखा है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये तो बात गलत हो जाती है। हाइपोफिशियल पोर्टल वेंस, ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी में लेकर हाइपोथैलेमस से कनेक्शन है, तो ये बात भी गलत हो जाती है। पार्स इंटरमीडिया की मिडिल पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, तो ये कंडीशन भी यहां पे नहीं होती, और आपने जो बात बताई वो हमें फोर्थ ऑप्शन में मिल जाती है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, तो सही आंसर फोर्थ। A gland which is known as hypophysis cerebri regulate the growth and development of somatic tissue. If secretion from this gland is increased during early age or vice versa, then which of the following disorders will occur? So hypophysis cerebri, yani ki another name of pituitary gland. Pituitary gland. अब एक name और दिया है सर इसमें, ये कह रहा है सोमेटिक टिश्यू, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, सोमेटिक हार्मोन का ही दूसरा नेम क्या है, ग्रोथ हार्मोन। और अर्ली एज में, यानी कि चाइल्ड की बात, इसका मतलब चाइल्डहुड स्टेज में, यानी कि चाइल्डहुड एज में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर पूछ रहा है, हाइपर सिक्रेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात कर रहा है।
पहला सर इसने एक्रोमिगेली और क्रिटिनिज्म दिया है। एक्रोमिगेली तो सर एडल्ट स्टेज में होगा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही गलत होगा। सेकंड जियांटिज्म और ड्वार्फिज्म, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये हाइपर सिक्रेशन और यहाँ पर कह रहा है वाइस वर्सा, इसका मतलब लोअर सिक्रेशन भी बताना है। तो ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रेशन से गिगेंटिज्म और हाइपोसिक्रेशन से ड्वार्फिज्म, जिसे हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी कहते हैं, और पिट्यूटरी मिडगट्स जो हैं ये। फिर नेक्स्ट में सर इसने क्रिटिनिज्म दे दिया जो कि थायराइड से रिलेटेड है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो सही आंसर हो गया हमारा थर्ड। द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर लोकेटेड, पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन की बात कर रहा है, तो ये तो हमें पता है कि सर वो थायराइड ग्लैंड पे होते हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, तो किस जगह पर वो लोकेटेड होंगे। एच शेप ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये यहां पर प्रेजेंट है नेक रीजन, तो ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी सरफेस होगी, जैसा अभी आपने बताया था ये सरफेस वेंट्रल, वेंट्रल जी, ये लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये पार्ट कौन सा है, पीछे की तरफ का यानी कि डोर्सल, ये पार्ट हो गया डोर्सल जी सर। इस डोर्सल के ऊपर इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, दीज आर द पैराथायरॉइड ग्लैंड, एक सिंगल लोब के ऊपर टू, इधर भी टू टोटल, तो हम कह सकते हैं कि डोर्सल पार्ट पर है या वेंट्रल पर। डोर्सल का मतलब क्या हो गया, हमारे बैक बैक हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिलो द थायराइड हेंस द नेम पैरा, थायराइड ग्लैंड की बिलो होती है इसलिए इसका नाम पैरा होता है, अबव द थायराइड हेंस द नेम पैरा, थायराइड ग्लैंड के अबव होती है इसलिए इसका नाम पैरा होता है, एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, एम्बेडेड इट मींस डीपली एम्बेडेड होती है थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस पर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को जब हम लोग देखें तो ये तो इसकी आगे की सरफेस यानी एंटीरियर और पीछे की सरफेस यानी कि पोस्टीरियर, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपको, यानी कि पोस्टीरियर सरफेस तो डोर्सल पार्ट में मौजूद है थायराइड ग्लैंड की, और इसकी एंटीरियर सरफेस थायराइड ग्लैंड की वेंट्रल पार्ट पे मौजूद है, और ये कहां पे है, ये हमारी डोर्सल रीजन पर यानी थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस पे, तो सही आंसर इसका क्या हो जाता है सर, थर्ड हो जाता है ना। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, अब सर हमें यहां पे मैच द फॉलोइंग करना है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और पीनियल और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो सर एडिनो हाइपोफाइसिस से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो जनरली ट्रॉफिक हॉर्मोन्स कहलाते हैं, इसलिए फर्स्ट की मैचिंग तो हो गई हमारी डी, और न्यूरो हाइपोफाइसिस से न्यूरो हॉर्मोन्स कहला रहे हैं क्योंकि इसे हाइपोथैलेमस बना रहा है, तो सेकंड की मैचिंग हो गई हमारी सी, और पीनियल ग्लैंड जो है वो यहां डिफेंस कैपेबिलिटी में काम करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी में कि तो पीनियल मेलाटोनिन जो रिलीज करेगा उसके अलग अलग रोल है, पिगमेंटेशन में भी रोल करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में भी करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह भी, बॉडी में रिदम की तरह भी, ये सभी फंक्शन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफेंस कैपेबिलिटी करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन में हमारा हो गया ए, और एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट, यानी एरिथ्रोपोइसिस का मतलब एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन। तो फोर्थ हो गया सर हमारा कौन सा, बी, तो ये हमारा मैचिंग आ गई यानी कि डी सी ए बी, तो डी सी बी ए गलत हो गया सर, ये तो वैसे गलत, ये दोनों ऐसे गलत हो गए, तो डी सी ए बी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अब डिजीज है और इनका हमें मैचिंग करना है, एडिसन डिजीज, एक्सेस और एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो भी होता है उस एड्रिनल कॉर्टेक्स के हाइपोसिक्रेशन से एडिसन डिजीज होती है, पर एक्सेस बोल रहा है तो ये क्या हो गया, ग्रेव डिजीज एक्सेस थायराइड, हाँ ये बात है। सही है ना, कि अभी कुछ देर पहले भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस किया था, एक्रोमेगेली एक्सेस पेंक्रिया, अभी देखा था हमने वो एक्रोमेगेली ग्रोथ हार्मोन के एडल्ट फॉर्म में, एडल्ट फॉर्म में ओवर सिक्रेशन से हो रहा है, तो पर यहां पे पेंक्रिया दे दिया तो इसलिए गलत हो गया, और ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एड्रिनल मेडुला से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एस्ट्रोजन से हम जरूर इसका रिलेट कर सकते हैं जो फीमेल्स में लो एस्ट्रोजन कंडीशन में होता है, तो सही आंसर इसका हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन।
अब वैसोप्रेसिन की बात कर रहा है सर, वैसोप्रेसिन मतलब हमने पहले भी इसको किया था ADH, और वही इसका दूसरा नाम पिट्रेसिन। और जब जब ये ADH हाइपोसिक्रेशन होगा, ADH का मेन रोल जो है वो DCT एंड कलेक्टिंग पार्ट पर है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। लेकिन यहाँ पर ये कम हो गया, इसका मतलब वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो हम ये कह सकते हैं यूरिन के अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा और वॉल्यूम भी यूरिन की ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें, देखें इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन फर्स्ट ही करेक्ट है, डिक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी की बात कर रहा है। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ यूरोक्रोम, नो, यूरोक्रोम जिसे हम लोग गोस्ट ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। चेंज इन द पीएच फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन चेंज, तो पीएच के ऊपर भी इसका यहाँ पर रोल नहीं, एसिडिक टू अल्कलाइन चेंज नहीं कर सकता है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ गलत हो गए, तो सही आंसर हो गया सर हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्लीज, थाइमस इन मैमल्स इज मेनली कंसर्न विद, तो जो थाइमस है ये थाइमस का मेजर रोल देखा जाए तो टी सेल जो होती है इनका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में हो, लेकिन टी सेल का मैच्योरेशन कौन करेगा, थाइमस में ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट जी, तो TH, TS, TC या K या TM, तो मैं कह सकता हूं टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी साइटोटॉक्सिक या किलर, टी मेमोरी, जितने भी ये सेल हैं ये कर क्या रही है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस में इसका मेन रोल होगा। तो फर्स्ट सही आंसर सर इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब मोर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात हो रही है, हमें पता है कि जो हार्मोन है ये क्या, हार्मोन की जो डेफिनेशन है According to NCRT, they are non-nutrient chemical and act as an intercellular messenger. Different cells के बीच में एक messenger की तरह behave करते हैं। और non-nutrient इसका मतलब ये कि अगर peptide के भी हैं, amino acid के भी हैं, इसके अलावा ये steroid भी हैं, तो इसे न्यूट्रिएंट की तरह हमें काम में नहीं लेना, यानी कि मैं 2 किलो हार्मोन खा लूंगा तो मुझे 0 एनर्जी मिलेगी, ठीक है, इसलिए नॉन न्यूट्रिएंट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर गलत हो गया, हमेशा डिस्टेंस पे काम नहीं करते, लोकल हार्मोन्स भी होते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और वेल ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि लोकल हार्मोन्स लोकली ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स के भी प्रोडक्ट्स, मैं कह सकता हूं फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम। फिर सर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये वापस वही वाली बात हो गई, हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है तो बाहर की तरफ तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन हो गया, और अंदर की तरफ हो गया हमारा मेडुला, मेडुला रीजन, और ये कौन सी ग्लैंड हो गई, ये हमारी सुप्रा रीनल ग्लैंड हो सकती है, या फिर हम इसे किस नाम से जानते हैं, 4S, फोर फोर एस ग्लैंड के नाम से, या फिर एड्रिनल ग्लैंड के नाम से। तो सर अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एक्स जो है वो क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो मैं कह सकता हूं थर्ड और फोर्थ तो रोंग हो गया, थर्ड और फोर्थ रोंग हो गया, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाता है हमारा, सेकंड, क्योंकि जो एपिनेफ्रिन है वो तो मेडुला का पार्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन सर, पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ ए हेल्थी डॉग इज ब्लॉक्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ पैनक्रिया स्टिल नॉट अफेक्टेड, तो सर अभी ये थोड़ा जानना जरूरी है कि पैनक्रिया जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जिसके दो पोर्शन हैं, एक तो इसका एसीली पार्ट हो गया और दूसरा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ऑफ लैंगरहैंस, जिसके अंदर हमें पता है कि ये तो एंडोक्राइन फंक्शन करता है जिसमें किसी प्रकार की कोई डक्ट की रिक्वायरमेंट या नहीं है, और एसीली पार्ट किसका फॉर्मेशन करता है, पैनक्रियाटिक जूस का, यहां पर डक्ट का फॉर्मेशन चाहिए, तो पेंक्रिया से जो डक्ट निकलती है पेंक्रियाटिक डक्ट, वो लीवर के साथ मिलकर के कॉमन हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट बनाती है, और वो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस को पहुंचाती है। तो ये कह रहा है कि अगर डॉग की पेंक्रियाटिक डक्ट को आपने ब्लॉक कर दिया तो अब जो डाइजेस्टिव जूस है वो बेसिकली वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो फंक्शन तो इसका खराब हो गया, इंपेयर हो गया, बट
जो हार्मोन प्रोडक्शन का फंक्शन है वो नॉर्मल रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंजाइम भी था पैनक्रियाटिक जूस में, प्रोटीन डाइजेशन का भी एंजाइम था, काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये भी था, तो ये तो सभी अफेक्ट होंगे। लेकिन जो इससे रिलेटेड है इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, जो हमारे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि इसमें डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सही आंसर हमारा इसलिए क्या हो जाता है सर, फर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया सर सभी क्वेश्चंस को। इसी तरीके से थर्ड एपिसोड में मुलाकात होगी। आपके कमेंट्स आए बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरीके से अगर हमारा हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो और भी हम लोग अच्छे अच्छे वर्क आपके लिए जो है सीएलसी लेकर के आएगी। तो देखते रहिए गुरु नीति के एपिसोड्स और अपनी तैयारी को निखारते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।